हे गाइस, इट्स मी साइकिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 जीनियसेस के बारे में जिसे चार्ल्स सोय ने बनाया था और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो, और आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत ही बहुत थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बंदे को शाउट आउट देना चाहूँगा। इससे पिछली वाली वीडियो में उसने कमेंट किया था कि आयनोकोजी वर्सेस डैनियल पार्क में कि आयनोकोजी मूव्स को मार्शल आर्ट्स को सीखता है ना कि कॉपी करता है, और उसके अपोजिट डैनियल पार्क्स मूव्स को सिर्फ एक बार देख के कॉपी कर लेता है। तो यही थैंक्स कहना चाहूँगा उसे मैं। 10 जीनियसेस एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें हर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और चार्ल्स सोय ने पर्सनली इन सबको ग्रूम किया और कलेक्ट किया है। चार्ल्स सोय इन्हीं की वजह से इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। हर बंदा इसमें से अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा माहिर है और टैलेंटेड है। द फर्स्ट जीनियस इज डीजी। डीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था हमें सबसे पहले एक आइडल के रूप में, जो कि देखने में एक पिंक हेयर वाला कूल सेक्सी लौंडा दिखता है, बट बाद में हमें बताया गया कि ही इज़ द मैन द मिथ द लेजेंड, कि वही जेम्स ली है। जेम्स ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से आता है, उसे वन मैन सर्कल भी कहा जाता है और उसी ने अकेले फर्स्ट जनरेशन को नो डिफ कर दिया था। फाइटिंग पावर्स की बात करें तो जेम्स ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में से आता है, बट उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक रूम था जिसमें दिखाया गया था कि जेम्स ली सारे के सारे ट्रॉफीज जीत चुका है। मेरे ख्याल से उसमें इतनी सारी ट्रॉफीज़ होगी, इतनी सारी फिजिकल एबिलिटीज़ की ट्रॉफी होगी और सिंगिंग डांसिंग की भी ट्रॉफी। मार्शल आर्ट्स की बात करें तो जेम्स ली कैपेरा में बहुत ही अच्छा प्रोफिशिएंट है और उसने ताइसुमा, जो कि फर्स्ट जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग कहलाता है, उसे ईजिली हरा दिया था। और आज तक हमें सिर्फ एक ही बार जेम्स ली मार खाते हुए दिखाया गया, वो भी डैनियल से, वो भी ट्रिक करके मार खाया था। बिजनेस जीनियस, जो कि बिजनेस में काफ़ी माहिर है और अपनी अनराइवल्ड ब्यूटी के कारण जानी जाती है। उसका बाप चार्ल्स सोय हमेशा उसकी ब्यूटी को अपने बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ यूज़ करता है और बिजनेस में काफ़ी माहिर होने के कारण वो बिजनेस जीनियस के नाम से भी जानी जाती है। कहाँ था मैं? ओ हाँ, मैं बात कर रहा था गू किम के बारे में। गू किम 10 जीनियसेस में से एक है वेपन जीनियस, जिसको वेपन में बहुत ही अच्छा मास्टरी है। उसका मेन वेपन है कटाना और ये बहन का बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह दिखता है, जिसका हेयर येलो है और ऑल टाइम साइकोपैथ की तरह हंसते रहता है और गन का राइवल भी है। पर्सनैलिटी की बात करें तो गू किम एक पागल साइकोपैथ की तरह है, जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए जेल भी जा सकता है वो। ये दिखाया गया है कि जब वो नंबर वन यानी कि फर्स्ट एफिलेट में जब नंबर वन था, उससे फाइट कर रहा था, तब उसने कहा कि 1 बिलियन वन मुझे दो, तब जाके मैं इससे फ़ाइट करूँगा। पर डैनियल ने कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं बस, तुम निकलो यहाँ से, तो वो भागने लगा। लेकिन जब वो सीरियस हुआ तब उसने नंबर वन को, जो कि टॉम ली के लेवल के था, ईजिली हरा चुका था। हमें यह दिखाया गया कि गू किम को ज़्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है पैसों में। वास्को के बैक स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि जब वो बुली हो रहा था तब गू किम ने कहा था कि यहाँ एक नाइफ है और यहाँ वायलेंस हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि उसने बोला कि मैं ये काम फ्री में कर दूंगा, तो इससे पता चलता है कि वो पैसों से ज़्यादा वायलेंस को भाव देता है। और बहुत साल पहले जब गन और गू की फ़ाइट हुई थी, गन को भेजा गया था गू से लड़ने, तब उसका रिमेन बहुत ही आउट क्लियर हो गया था, किसी को पता नहीं था कौन जीता था। सबसे पहले हमें गन पार्क को इंट्रोड्यूस किया गया था चार्ल्स की बेटी क्रिस्टल के बॉडीगार्ड के रूप में। जब उसने एक पंच मारता है डैनियल को, तो डैनियल वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है, और जब वो पंच मारता है वास्को को, तो वास्को के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वास्को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे बंदे हो, तुम मेरे अंदर काम करो। गन पार्क और गू किम ने ही फोर मेजर क्रू को स्टार्ट किया था। फोर मेजर क्रूज में से ही एक क्रू है वर्कर्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चार्ल्स सोय को अपोज करते हैं। चार्ल्स की वीकनेस भी उन्हीं के पास है, जिनियोंग। और जैसे कि अभी हाल फिलहाल के चैप्टर्स में दिखाया गया था कि अब वर्कर्स जो है हंट करने वाले हैं गन पार्क को, लेकिन मुझे नहीं पता कि गन पार्क उन्हें हंट करने वाला है या फिर वो गन पार्क को। गन पार्क द वाइट डीमन ऑफ जापान। जब वो 14 साल का था तब उसने पूरी केंटा की पूरी फैमिली को मैसेकर कर दिया था, बिल्कुल इताची के स्टाइल में, और केंटा के बाप को मारकर केंटा को कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तुम भी मुझे मार कर दिखाओ। और केंटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। गन पार्क, जो कि एक मंथ में ही पूरा का पूरा कोकुशिन कराटे सीख गया था, एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट जीनियस था। जेल में रहने के बावजूद उसका ट्रेनिंग सेशन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लोग उसे मॉन्स्टर कहते थे, इसलिए तो उसका नाम वाइट डीमन है। और वो लुकिज्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। एक टाइम पे ये भी कहा जाता था कि वो टॉम ली को भी हरा सकता है, अभी कोई पता नहीं है लेकिन मुझे तो लगता है कि वो टॉम ली को भी हरा सकता है। द नेक्स्ट जीनियस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्रिस्टल चॉय का बाप चार्ल्स सोय।
उसी ने 10 जीनेसिस को बनाया था और 4 मेजर स्क्रूज को बनाया था, जो कि जीरो जनरेशन का एक मास्टर है और उसे हम एलिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि गापियोंग फिस्ट के गैंग में सेकेंड नंबर पर आता था। टॉम ली द फाइटिंग जीनियस, जिसे हमें दिखाया गया था कि वो एक हल्क के जैसे दिखने वाला एक कैरेक्टर है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से आता है, और वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो गन और गुको भी इजीली हरा सकता है, क्योंकि वो जीरो जनरेशन का मेंबर है और गापियोंग फिस्ट का भी मेंबर है, तो आप गेस कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट इज कोजी, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द हैकिंग जीनियस, जो कि एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और एक मास्टर हैकर भी, जो कि दिखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखता है, बट पैसों के लिए वो हैकिंग करता है और 10 जीनियसेस में से एक है। यूजिन इज द पर्सन हु क्रिएटेड वर्कर्स, जो कि 4 मेजर क्रूज का पार्ट है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रूज में से है, और इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि लुकिज्म में वो चार्ल्स चॉय को भी अपोज कर सकता है। लुकिज्म में यूजिन के पास मेजर फोर्सेस है, जैसे कि वो काफ़ी सारे लोगों से फाइट भी। अभी के नए चैप्टर्स में हमें दिखाया भी गया है कि जो डैनियल पार्क और जे हाई है, वो अब वर्कर्स के अंदर काम करते हैं। द नेक्स्ट जीनियस इज मेडिकल जीनियस जिनयोंग पार्क, और एक थ्योरी भी है जिसमें बताया गया है कि जिनयोंग पार्क ने ही डैनियल के सेकेंड बॉडी को बनाया है। जिनयोंग पार्क फाइटिंग पावर्स की बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से है और जीरो जनरेशन में से है। उसने अकेले ही टॉम ली को हरा दिया था, जो कि टॉम ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से है। नेक्स्ट इज गैब्रियल किम, जो कि जेक किम का भाई है और गैप्टन किम का बेटा है, और उसी ने अपने बाप गैप्टन को मारा था। किंग ऑफ सियोल, जिसने जिनजैंग यानी कि फर्स्ट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा को ऐसे हरा दिया जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हूँ, बिल्कुल नो डेफ कर दिया। तो जो किंग ऑफ सियोल है वो अभी किंग ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड पर राज करता है, वो माफिया का राजा है, वहाँ पर सारा अंडरग्राउंड सारा इलीगल बिजनेस वही संभालता है वहाँ। मेरी एक थ्योरी है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो डैनियल की सेकेंड बॉडी है वो भी 10 जीनेसिस में से एक है। इट वॉज शोन दैट द गन पार्क हु इज़ अ मॉन्स्टर ऑल्सो लॉस्ट टू यू आई डैनियल। गन पार्क हु कुड सोल ओवर कज लाइक इट्स चाइल्ड प्ले, ही लॉस्ट टू यू आई डैनियल एंड सेड दैट इट वॉज बेटर देन एनी गर्ल ही स्पेंड नाइट विथ। ऑफकोर्स गन इज़ नॉट गे, ही इज़ अ मैसोसिस्ट, ही लाइक्स टू फाइट विथ स्ट्रॉन्गर पीपल,